वंदो श्री गणेश ला मां शारदा प्रणाम श्री महेश के संग उमा पूर्ण करो सबका बोलो ओम नमः शिवाय 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 कथा सुनावत हो सबला मैं भक्त औ भगवान के कैसे कैसे लीला रचते शिव भोले भगवान ये शिव भोले भगवान ये कथा सुनावत हो सबला मैं भक्त औ भगवान के कैसे कैसे लीला रचते शिव भोले भगवान ये शिव भोले भगवान ये हे जम्मो शिव भक्त मन जैसे कि आप सब मन जानत हो कि ये संसार के रचने वाला ब्रह्मा जी आए संसार के पालन करैया श्री विष्णु जी आए और ये जीवन रूपी चक्र से मोक्ष देवैया भगवान शंकर आए भोलेनाथ निचट भोला है भोला भंडारी है और बड़ जल्दी अपन भक्त मन ऊपर प्रसन्न हो जाते एक पल जेहा भोला बाबा के ध्यान ला करते ओखर सब मनोकामना प्रभु हा पूर्ण कर देते भगवान शंकर कैसना कैसना लीला रच के अपन भक्त मन के उद्धार करते ऐसने एक भक्त के कथा आप मल्ला में सुनावत हूं भोलेनाथ के कतको जिन भक्त होइन ओ मां सबले श्रेष्ठ भक्त जेला माने जाते तेने पुजारी होई रही से जेखर नाम है रानी चांगुणा ये कथा स्कंद पुराण से ले गए ता आवो विश्वास के साथ ये कथा ला सुनाओ और एक बार मोर संग प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की कथा सुनावत हो सबला मैं भक्त औ भगवान के कैसे कैसे लीला रचते शिव भोले भगवान ये शिव भोले भगवान ये कथा सुनावत हो सबला मैं भक्त औ भगवान के कैसे कैसे लीला रचते शिव भोले भगवान ये शिव भोले भगवान ये एक बार मुनिवर नारद जी पहुंच गईन शिवलोक में पार्वती संग शिव के बैठे बड़ सुघर संजोग ये बड़ सुघर संजोग ये नारद जी ला आए देख माता पार्वती हा नारद जी ले पूछते के हे मुनिवर ए समय तीनों लोक मा भगवान शंकर के सबले सच्चा औ परम भक्त कौन आए माता पार्वती अपन मन में सोची के नारद जी ओखरे नाम ला लेके कही के हे माता आप ले बढ़ के श्रेष्ठ औ कौन हो सकत है फिर नारद जी बोलते नारद बोलिस जय बम भोले भोले ना जय बम भोले जय हो उमा भवानी के धरती पर चांगुणा रानी जय बोलत है शिवदानी के जय बोलत है शिवदानी के राजा रानी दोनों जगमा शिव के भक्त महान है सबले बड़े भक्त माँ गिनती हे चांगुणा श्रियाल के हे चांगुणा श्रियाल के नारद जी हा
माता पार्वती से कहते, हे माता, ए समय संसार मा कांति नगर के रानी चांगुणा सबले बड़े शिव भक्त आए, अतिथि सत्कार, दीन दुखी मन के सेवा और दुआरी मा आए भिक्षुकला, ओखर मन चाह भिक्षा देना अपन सबले बड़े धर्म समझते, ऐसे है रानी चांगुणा। ये बात ला सुन के माता पार्वती हा सोच में पड़ जाते और भगवान शिव से कहते, शिवला देख उमा जी बोलिस चलो जगत मानाथ चलन, कौन है रानी चांगुणा जगमा चल के अभी मिलन, जगमा चल के अभी मिलन भोले मन मा मुस्काई, भोलेनाथ 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 भोले मन मा मुस्काई। फिर उमा सकिस ना जान जी जोगी बन के चलिस उमापति, धरती माँ भगवान जी, धरती माँ भगवान जी। और यहाँ ले प्रारंभ होते प्रभु के लीला, पार्वती के कहना ला मान के भगवान शंकर स्वयं भक्त से मिले पर चल पड़ी माता पार्वती जी, अदृश्य रूप माँ भगवान के संग धरली भगवान शंकर, एक जोगी के भेष धर के कांति नगर में प्रवेश करते और का कहते, अलग निरंजन मोला भिक्षा दे दो, मोला भिक्षा दे दो। जोगी के गुहार ला सुन के राजमहल के आसपास के जम्मू माई लोगन भिक्षुक जोगी ला भिक्षा देवन लगे, रानी चांगुणा घलो अपन हाथ मा भिक्षा से भरे थारी धर के महल के द्वारी मा आगे, और भिक्षुक जोगी ला भिक्षा देवर थारी ला आगु बढ़ाई, भिक्षा देवन लगिस चांगुणा जोगी हाँ इनकार करी, सबले भिक्षा लेवत हो काबर मोला इनकार करो, काबर मोला इनकार करो। लेकिन ये का जोगी हा रानी के भिक्षा ले से इनकार कर दी, चांगुणा ला बड़ा चंबा होई, ओखर मन में लगी मोर कतेक अपमान हो गए, अपमानित हो गए चांगुणा, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, अपमानित हो गए चांगुणा, भर गए आंखी दुख माजी, सबके दान ललेवत हो फिर मोर दान पर टर गयो जी, फिर मोर दान पर टर गयो जी, मोर दान मा कमी है का काबर ठुकराए दान जी, ऐसन का अपराध कर डरे क्षमा करो श्रीमान जी, क्षमा करो श्रीमान जी। रानी चांगुणा भिक्षा नहीं लेके कारण पूछते, तब जोगी हा कहते, मैं तो हाथ ले दान नहीं ले सका, काबर की तय निसंतान हस और एक निसंतान से दान लेना मोर पर पाप के समान है। ये बात ला सुन के रानी चांगुणा के आंखी में आंसू आ गए, बोलिस रानी बोलिस, हे बाबा संतान विधाता देथे जी, मोर ये माँ का दोष है प्रभु जी, कर्म के है ये लेखा जी, कर्म के है ये लेखा जी, मैं हाँ अपन कर्म ले हारे ओ, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ, मैं हाँ अपन कर्म ले हारे ओ, बांझन हो निर्वंसिन हो, कर ही दया भोले बाबा, मैं ओखर एक पुजारन हो, मैं ओखर एक पुजारन हो, भोले बाबा के कृपा हो ही तब मोर संतान जी, मान करो मोर दान के बाबा, झन करो अपमान जी, झन करो अपमान जी। रानी
रानी चांगुड़ा के आंखी ले आंसू हा ताप ताप बहावत रही से और चांगुड़ा के बाद जोगी के हृदय ऊपर पहाड़ सही टूटत रही से चांगुड़ा के दुखला देख के भगवान शंकर ला कर ले धर ले भक्त के अटल विश्वास और भक्ति के प्रभाव से भोलेनाथ ला अपन भक्त के आगू झुकना पड़ी कहो भोलेनाथ बाबा की अपन झोली फैला के चांगुड़ा से कही थे तोर असन भक्तिन शिव के मैं देखियो रानी कभू नहीं प्रसन्न हो गयो तोर भक्ति ले मैं हाँ दे दे मैं हाँ दान लूँ दे दे मैं हाँ दान लूँ भोले तोर भला करे भोले ना भोले ना भोले ना शिव भोले तोर भला करे और जगमा तोला नाम मिले ले ले फल प्रसाद रूप मा जा तो लाइक लाल मिले जा तो लाइक लाल मिले खुश हो गे रानी चांगुड़ा जोगिला दे दिस्तान जी भक्त प्रेम के आगू देखो हारिस शिव भगवान जी हारिस शिव भगवान जी धन्य हो प्रभु ये ला कही थे भगवान के कृपा अपन भगवान के हाथ ले फल रूप में प्रसाद पाके चांगुड़ा के जीवन लहलहा गे चांगुड़ा हा गर्भवती हो गे राजमा चारों मुड़ा आनंद के लहर फैल गे समय बीतन लगी और रानी अपन अवैया बालक के सपना देखत देखत कल्पना लोक में घूमन लगी खुशी खुशी झूमत है रानी सोचत है मने मन मा गोद हमोरो भर जाही औ बाबू खेल ही अंगना मा बाबू खेल ही अंगना मा कुल दीपक हो ही मोर मुन्ना भोलेनाथ 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 कुल दीपक हो ही मोर मुन्ना करही अंजोरी जीवन मा किलकारी से घर भर जाही मुन्ना खेल ही अंगना मा मुन्ना खेल ही अंगना मा पढ़ लिख के विद्वान बन जही मुन्ना प्राण आधार जी असीस दिही मोर बाबा ओला शिव शंकर भगवान जी शिव शंकर भगवान जी इसने खुशी हा दिन ऊपर दिन बीतत गी 9 महीना 9 दिन बाद वो शुभ घड़ी आगे शिव जी के कृपा ले रानी चांगुड़ा एक सुंदर बालक ला जन्म दी और माँ बनके सौभाग्य ला प्राप्त करी भोलेनाथ 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 जम्मो राजमा आनंदो खुशी फैल गे आनंदो खुशी मनावत मनावत रानी चांगुड़ा ला वो जोगी बाबा के सुरता आई ओहा मन मा सोचन लगी कहीं ऐसे तो नहीं के मोर दुआरी मा भिक्षुक के भेष मा भगवान शंकर स्वयं आके मोला प्रसाद दे के चल दी अपन भोले शंकर ला मन ही मन प्रणाम करके रानी धन्यवाद देते राजा रानी अपन नगरवासी और प्रजा के संग मिलके बालक के जन्म उत्सव मनाई पंडित मल्ला भोजन करवाई राजा हा शुभ मुहूर्त देख के बालक के नामकरण संस्कार करवाई बालक के नाम रखेगी चिल्ल्या भगवान भोले शंकर के माया कथे का परंपार है बोलो उमापति महादेव की खुशी खुशी दिन बीतन लगिस जगमा राजा रानी के बालक दिन दिन बाढ़न लगिस जय गूंजे शिवदानी के जय जय गूंजे शिवदानी के
चिल्ल्या बालक 5 साल के, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। चिल्ल्या बालक 5 साल के, सुंदर चंचल लाल जी, जम्मो सुख आनंद ले ओखर, बचपन होई स्निहाल जी, बचपन होई स्निहाल जी। माँ कही थे बेटा ले महिमा, शिव भोले भगवान के, चिल्ल्या करन लगिस भक्ति संग, माँ के शिव भगवान के, संग माँ के शिव भगवान के। नानचीन चिल्ल्या माता पिता के प्यार और सुघर संस्कार पाके बाढ़त है, संगे संग इहुहा शिव भक्ति में रमगे है। जैसे जेखर दाई दादा वैसे ओखर लैका, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। ओदे डहार एक घाव फिर जब नारद मुनि किंजरत किंजरत शिव धाम में पहुंचते, तकाय देखे नारद खड़े द्वार मा देखिस, भोले उमा भवानी ला, भोले उमा भवानी ला। चरण दबावत देख उमाला, हर्ष होइस मुनि ज्ञानी ला, हर्ष होइस मुनि ज्ञानी ला। गिरजापति गिरीश की जय हो, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। गिरजापति गिरीश की जय हो, नारद हा जयकार करीस, मुनिला देख उमा हा बोलिस, मुनि प्रणाम स्वीकार करें, मुनि प्रणाम स्वीकार करें। नारद जिला देख के माँ पार्वती के मन में फिर से संदेह जागे के अब फिर कोनो आगी लगाने वाला बात लेके आए हो ही नारद हा। माँ पार्वती जी हा नारद ले पूछते, हे मुनि नारद बताओ अब ये संसार में कौन है शंकर जी के सबले बड़े भक्त आए। माता पार्वती ला ए दारी पूरा विश्वास रही से कि नारद जी हा अपन आँखी ले देखा थे कि मैं शिव जी के सेवा में रात दिन लीन हुआ। अब तो पक्का है कि नारद जी मोरे नाम ला लेके कही कि हे माता आपे मन ये सृष्टि में सबले बड़े भक्त आओ। फिर नारद बोली, हे भवानी आप मानव चाहे जन मानव, आज भी रानी चांगुणा हा सबले बड़े शिव भक्त आए। जब ले ओला भोले बाबा के कृपा ले संतान प्राप्त होए है, तब ले ओखर भक्ति ओखर श्रद्धा दुगना हो गए है। मुनि के गोठ लसुन के भवानी, चिड़ गए अपन मन माजी, पार्वती ला ईर्षा हो गे, ऐसन कैसन भक्तिन जी, ऐसन कैसन भक्तिन जी। माँ पार्वती हा शंकर भगवान ले कही थे कि हे नाथ आज ये फैसला हो जाना चाहिए कि आपके सबले परम भक्त कौन आए। आज तो एकर परीक्षा आप ले लो शंकर भगवान, ये इन सबला जाना थे मने मन मुस्कुरावत है। ओखर ये किस्म के मुस्काइला देख के पार्वती औ चिड़ जाते, ओहर ईसा के बैठ जाते। हे परम भक्त मन, जैसे आप मन जानत हो कि माई लोगन के आगू कखरो नहीं चले, यहाँ खलो माता पार्वती के आगू भोले भंडारी ला विवश होना पड़ी। एक करिया औघड़ के रूप ला धर के चांगुणा के परीक्षा ले बर भगवान कांति नगर की ओर चल पड़ते। बोलो भोलेनाथ बाबा की। भूतहा करिया रूप लधर के बन गए औघड़ शिवदानी, पार्वती के हट पर आईन धरती मां अंतर्यामी, धरती मां अंतर्यामी। अलख जगाई से औघड़ बाबा, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। अलक
रख जगाइस औघड़ बाबा बोलिस जय जय बम भोले सत्य न डिगे धर्म झन डूबे खुश हो जाए शिव भोले खुश हो जाए शिव भोले इच्छा भर भोजन करवा दे तै शिव भक्त महान जी कत को बछर ले औघड़ भूखा हो ही तोर कल्याण जी हो ही तोर कल्याण जी औघड़ के गुहार सुन के राजा रानी दोनों महल के बाहर आते और औघड़ बबाला ले जाके भीतर में बैठाते राजा हा जोगी के चरण में बैठ जाते रानी चांगुड़ा सोन के लोटा में पानी लाके ओखर चरण ला पखारते रानी औघड़ पर बड़ स्वादिष्ट भोजन मंगवाते और कहते औघड़ बाबा आवाओ पधारो और भोजन ला ग्रहण करो महाराज औघड़ बाबा वो भोजन ला खाए ले इनकार कर देते रानी चांगुड़ा मन में सोचते शायद भोजन में कोनो कमी रह गए है ओहा स्वयं रसोई घर में जाते और अपन हाथ ले औघड़ बाबा पर भोजन बना के लाते रानी गई रसोई घर में भोजन अपन बना लाई अलग अलग थारी माँ धर के भोजन वो हाले लानी भोजन वो हाले लानी छप्पन भोजन स्वाद भरे भोलेनाथ 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 छप्पन भोजन स्वाद भरे ले आइस पकवान जी हाथ जोर के बोलिस रानी अब खावा भगवान जी अब खावा भगवान जी औघड़ बाबा इहू भोजन लखाए ले इनकार कर दिस बोलिस चांगुड़ा मैं शाकाहारी भोजन नहीं खावा मैं अघोर पंथिया मांस के आहार करता हूं अगर तय मोला मांस वाला भोजन खवा सकत हस तब बता नहीं तो मैं जावत हूँ औघड़ के बात ला सुन के राजा रानी मुस्काइन और बोलिन हमन शिव के भक्तन बाबा भरे पूरे भंडार है ये ऐसन छोटे बात के चिंता ला करना बेकार है ये चिंता करना बेकार है ये भगवा चितवा का मरवाओ भोलेनाथ 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 भगवा चितवा का मरवाओ हिरन के हर लो प्राण जी हारिल हंस कबूतर सारस बनवा हूँ श्रीमान जी बनवा हूँ श्रीमान जी राजा रानी के अतेक बात ला सुन के औघड़ बाबा हा बोलिस हे चांगुड़ा पहली तय मोला वचन दे फिर मैं अपन पसंद ला बताहू चांगुड़ा हा बाबा ला वचन दे दी औघड़ बाबा वचन ला लेके मुस्काई औ काकी थे पशु पक्षी जंगली जीव के मांस औघड़ नहीं खाए मनुष्य के मांस बड़ मीठा थे उही मोरो मन ला भाए उही मोरो मन ला भाए मोला खवा सकतस गरते भोलेनाथ 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 मोला खवा सकतस गरते ता मनुष्य के मांस खवावो जी फेर एक बात लाओ तें सुन ले जन गरीब मरवाओ जी जन गरीब मरवाओ जी सैनिक मन जन को नोला मारे अतका तें मान जी ऐसन मांस लखावाओ नहीं मैं इहू बात ला जान जी इहू बात ला जान जी औघड़ के ये बात ला सुन के राजा रानी बड़ संसो में पड़ गए
ओ मन विचार करिन औ अवघर ले बोलिन, आप मन अवघर साधु हरो और मनुष्य के मांस खाए के बात करत हो, ये बात हम अल्लाह बने नहीं लगी महाराज। ये बात ला सुन के अवघर क्रोध में आगे और बोलिस, का यही हरे तुहर शिव भक्ति सिर्फ दिखाए के मोला मन चाह भोजन करवाए के वचन दे हस, संकल्प करे हस, का ये सब ढोंगरी से तय अपन वचन ला पूरा नहीं कर सकस, तकोनो बात नहीं है, मैं भूखाए लौट जाता हूँ, फिर तुहर अतेक बच्चर के तपस्या के नाश हो जाही, तुहर ये जस ये कीर्ति सब मिटा जाही। अवघर रिसा के लौटन लगी, राजा रानी दौड़ के बाबा के पांव ला धर लिन। राजा बोलिस, महाराज रुको, आपके ऐसे रिसा के जाना ठीक नहीं है, आप मन के जो भी इच्छा है ओला पूरा करे जाही महाराज, एक हर बार मैं अपन आप ला सौंपत हूँ। अपन आप ला सौंपत हूँ मैं, मोर मांस ला खावाओ जी, मन माफिक भोजन कर लो, भूख ला अपन मिटावाओ जी, भूख ला अपन मिटावाओ जी, ऐसन कभू नहीं होए हे, भोले नाथ भोले नाथ भोले नाथ भोले नाथ भोले नाथ भोले नाथ, ऐसन कभू नहीं होए हे, जुच्छा कोनो जाए जी, जीवन धन हो जही प्रभु मोर, आपके भूख मिटाए जी, आपके भूख मिटाए जी, आपन सत्य धर्म ला नहीं हो वन दो मैं बदनाम जी, मूर्तन के लो भोग लगा लो, बाचे धर्म ईमान जी, बाचे धर्म ईमान जी, भोले नाथ भोले नाथ भोले नाथ, बात ला सुन के अवघर बोलिस, हे राजन तय प्रजा के पालन हार हस, तोर नहीं रहेले राज काज ला कौन संभाली, जब राजा हा नहीं रही तब प्रजा ला कौन देखी, एक खातिर तोर मांस खाना उचित नहीं होही। सुन के राजा बड़ चिंता मा पड़ गए, राजा ला चिंता मा पड़े देख रानी चांगुणा अवघर ले कहते, राजा के जीवित रहना जनता पर बहुत जरूरी है, राजा के मरना ठीक नहीं वो जियत रहे जरूरी है, जियत रहे जरूरी है, लेकिन राज बिना रानी के चल जाते ये जगमा जी, लो स्वीकार करो बाबा ये बिनती कर थो सुन लो जी, बिनती कर थो सुन लो जी, मोर मांस ला खा ले लो सेवा में श्रीमान जी, धन्य हो ही जीवन प्रभु जी मोर, कहना ला लो मान जी, कहना ला लो मान जी, रानी के बात ला सुन के अवघर बोलिस, हे रानी मैं नारी के मांस नहीं खावाऊं, काबर के वो हा जननी है, जन्म देवैया है, और मैं जननी के मांस ला कैसे खा सकत हूँ। तब चांगुणा कहते, हे महाराज आप राजा के मांस ला नहीं खा सको, मोर मांस ला घलो नहीं खावाऊं कहा था, और मन चाह भोजन करूँ कथो महाराज, ये कैसे संभव है, ये समस्या कैसे हल होही, आप मन एक उपाय बतावा। अवघड़ा मुस्का के बोले, चांगुड़ा तो ये समस्या के हल मोर करा है। चांगुड़ा पूछिस, का हल है महाराज, ता अवघड़ बोलिस, गोल गोल सुंदर तोर ललना जेखर लाली गाल है, फूल सही कोमल हावे वो घुंघरालू ओकर बाल है, घुंघरालू ओकर बाल है, चिकन चिकन हाथ गोड़ ओ चाल ओखर मत वाली है, नस नस मा ओखर लहू बुहाते, उहू हलाली लाली है, उहू हलाली लाली है, वो चिल्ल्या चंचल बालक तोर जीवन के है प्राण जी, मांस खवा दे वो बालक के खुश हो ही मेहमान जी,
खुश हो ही मेहमान जी। चांगुड़ा तोर चिल्लिया के मांस बड़ मुलायम स्वादिष्ट हो ही, गर ते मोला ओखर मांस खवा देवे तो मोर भूखाग्नि शांत हो जाही। औ इच्छा अनुसार तोर भोजन करवाए के जो संकल्प है भलो पूरा हो जाही। औ घर के बात ला सुन के चांगुड़ा के प्राण सुखा गे। भोलेनाथ 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 रानी ला अपन कान के सुनई में विश्वास नहीं होवत रही से, मने मन शंकर भोला लेती थे, हे भगवान का यही दिन भर तो रोते भक्ति पूजा करे रहे, का यही दिन भर मोला पुत्र दे रहे। भोलेनाथ ये काय मांग डरी से साधु हा, हे प्रभु ये सब सुने की पहली मैं मर काबा नहीं गयो। भोलेनाथ 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 गिर गे रानी कापत कापत आँखी में भर गे आंसू जी, बीते दिन के सुरता करके सांस ओखर फूले जी, सांस ओखर फूले जी। चांगुड़ा के आँखी में अंधियार छागे, एक तरफ आओ घर साधु के हट और एक तरफ पुत्र के मोह, एक एक करके चांगुड़ा ला अपन बीते दिन के सुरता आवन लगी। कोखर हिस मोर सुन्ना जब तक कहत रहिन बांझिन मोला, सगा सबो निर्वंसिन कहिन दुनिया की हिस पापिन मोला, दुनिया की हिस पापिन मोला। कान हप्पा के ताना सुनके भोलेनाथ 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 कान हप्पा के ताना सुनके सहो कतेक अपमान जी, फटे करे जा आँखी मासु होट धर्यो मुस्कान जी, होट धर्यो मुस्कान जी। ये सबो बात के सुरता करके चांगुड़ा उखड़ने कही थे, हे बाबा जेन लईका ला मैं अतेक मया दुलार ले पोसे हो, जेला कहूँ घाम घलो नी लगन देव, अपन उही लाला जेन हमर कुल के दीपक है, मोर जीवन के सहारा है, जौन मोर आँखी के तारा है, आज उही अपन करे जाके टुकड़ा ला मैं कैसे मार सकूं महाराज। रानी के बात ला सुन के औघर ला क्रोध आगे और वो हा उठ के जाए लगे। चांगुड़ा अपन मन के पीरा ला दबा के औघर बाबा से कहते, रुको महाराज झन जावा। और चांगुड़ा बाहर जाके चिल्लियाला खोज के लान थे, जेहा अंगना मा अपन संगवारी मन संग खेलत रही से। औघर के हाथ में चिल्लियाला सौंप थे और कही थे, महाराज आप मेला ले जाओ, फिर हाथ जोड़ के आपसे विनती करत हो, मोराखी के सामने एला कहीं झिन करू महाराज। औघर मारे गुस्सा के लाल हो गए, कहन लगी औघड़ बोलिस ये ला धर के कौन जंगल मा जाहूं मैं, पशु नहीं हो जंगल के जे कैचा मांस लखाहूं मैं, कैचा मांस लखाहूं मैं। ले जाते बेटा ला रानी ये खर सौ कुटका कर दे, औ लगन से ये ला पका के थारी परोस के भोजन दे, थारी परोस के भोजन दे। खातिर करना सीख चांगुड़ा घर आए मेहमान के, कैसन शिव भक्तिन हसते औ कैसे तोर भगवान रे, कैसे तोर भगवान रे। जा लेक जा अपन बेटा ला और खुद अपन हाथ ले काट के बने रान पका के थारी में सजा के मोला लान के दे। बस अतका सुनिस काहे के चांगुड़ा के रंग नीला पड़ गए, ओहा पथरा सही हो गए। बेरा होवा देख औघर चिल्लाई, हे चांगुड़ा का तय अपन वचन ला भुला गे, अब मैं नहीं रुक सकाऊं, फेर जाए से पहली मैं तोला ऐसा शराब दूं के तोर कुल परिवार के नाश हो जाही।
शराब के बात ला सुन के चांगुड़ा बिलक पड़ी, पलक झपकत ओखर आँखी के आंसू सुखा गे, ओखर ममता हा मानो पथरा होगी, ओहा चिल्लिया के हाथ ला धर के रसोई घर में ले जावन लगी, जैसे कोनो कसाई बोकरा ला कसाई घर में लेखे, नानुक चिल्लिया डर्राए घबराए अपन माला देखत रह गे, माँ हा चिल्लिया ला झटक के एक पाटा ऊपर औंधा दिस और तलवार ला ओखर घेच ऊपर रख दिस, नानचीन चिल्लिया ये सब ला देख के और डर लागे, हाथ जोर के गिड़गिड़ाई माँ से कहन लगी, झन मारो मोला ऐसे माँ मैं तोर लाल दुलरवा कहत रहिस ते तो माता मैं तोरे एक सहारा हाँ, तोरे एक सहारा हाँ, कोरा माँ मोला धर के माते अचरा माँ खिलाए हस मुहला मोर चुम चुम के कतेक सुख तें पाए हस, कतेक सुख तें पाए हस, मोला छोड़ दे मैं करवाहूँ तीरथ चारों धाम जी, मोर ऊपर कर दया तें माता तें तो बड़े महान जी, तें तो बड़े महान जी। निर्दोष बालक चिल्लिया अपन माले बिलक बिलक के कहदरी से, हे माँ मोर ले कोनो गलती होगी होई तो मोला माफी दे दे, मैं फिर कोनो गलती नहीं करूँ माँ। चिल्लिया रो रो के विनती करत है और चांगुड़ा हा विवश है मजबूर है, वह चिल्लिया ला डबडबा और आँखी ले देखते और अपन मजबूरी के बखान करते, मोर दुलरवा कोनो माँ काबर काठी अपन बेटा, मोर करे जाके तय टुकड़ा जीवन के तय धन बेटा, मैं कत का बेबस हो चिल्लिया मोर लाल मोर लाल मोर लाल, मैं कत का बेबस हो चिल्लिया कैसे तोला बतावा मैं, आओ घर कही थे तोर मांसला रांध के ओ लखवाओ मैं, रांध के ओ लखवाओ मैं, ये ती मोह है ओती धर्म है आगु है ईमान जी, चिल्लिया बोलिस काट दे मोला झनरो तैना दान जी, झनरो तैना दान जी। चांगुड़ा हा जब चिल्लिया ला सब बात ला बताई तब चिल्लिया अपन माँ के हिम्मत ला बढ़ाते और कहते, हे माँ एकर ले पढ़ के मोर बर काय हो सकत है, मैं बड़ भाग्यशाली हूँ के ये मोर शरीर तोर काम आवत है माँ, धन्य हो गए मोर जीवन और धन्य हो गए तोर को। चिल्लिया अपन माला साहस बंधाते कहते, माँ तय काबर चिंता करत है, मैं भोला बाबा से प्रार्थना करूँ के मैं फेर तोर कोख में जन्म धराऊं, अब ये शुभ काम में देरी झन कर माँ, मैं तैयार हूँ ले मोरा काट दे और मोर मांसला साधु बाबा ला खवा के अपन धर्म ला निभा दे माँ। अपन वचन के सुरता करके चांगुड़ा के पुत्र मोह मानो पथरा हो गए, ओला काही के सुध नहीं रही कि वो हर काय करे पर जावत है, देखते देखत ओह चिल्लिया के मुड़ला धड़ से अलग कर दी, हाय रे विधाता ए कैसना तोर खेल, ये ला देख के तब पथरा के करे जा ढोलो कांप जाही, जेन बेटा ला अतेक मनोती मान के पाई रही उही करे जा के टुकड़ा ला, अपन हाथ ले माहा कुटका कुटका कर दी, मुड़ला धड़ से अलग करिश्मा हाथ गोड़ला काटिसिए, तन चिल्लिया के उछर परिसियो छाती हफट के धरती के, छाती हफट के धरती के,
नान नान चिल्ल्या के अंगरी तड़पत है मछरी जैसे पौलत है बेटा के अंगला हाथे माँ बरछी चमके हाथे माँ बरछी चमके छाती फार के दिल निकालिस फोटाले है रिस आत जी फेर करे जा काट छुरी से बनगिस वो हैवान जी बनगिस वो हैवान जी ये कैसे भाग के खेला है कुछ दिन पहले जेन एक नान तुम बालक के मार ही से उही अब एक राक्षसीन हो गए शांगुड़ा चिल्ल्या के सबो मांस के कुटकला सकेल के ओला डप कर पानी मा रांधे लगी चिल्ल्या के मांस ला पका के ओला थारी मा परोस के चांगुड़ा और घर में लानी और निवेदन करते महाराज अब भोजन ग्रहण करो औघन थारी के भोजन ला देखी और खिसिया के गुस्सा औघन थारी ला एक खोर फटिक दिस और चिल्लाई चांगुड़ा ये भोजन है के कूड़ा औघन ला गुस्सा देख रानी हा डरा गई और पूछी अब काय भूल हो गए महाराज खिसिया के औघन किस मुड़ के मांस कहाँ है ये माँ भोजन अभी अधूरा है स्वाद है जे माँ वो घर भितरी ये भोजन तक कूड़ा है ये भोजन तक कूड़ा है तय कुलटा कपटी नारी हाँ भोलेनाथ 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 उल्टा कपटी नारी हस्तोर नियत है खोटा जी मैं का जाने तय मुर शंकर दे बेरानी धोखा जी कर दे बेरानी धोखा जी मन चाहे भोजन का देबे तय तो हस बेईमान रे मोर करे अपमान चांगुड़ा घर आए मेहमान के घर आए मेहमान के हे चांगुड़ा ये माँ मुड़ी के मांस काबर नहीं है तयो घर मुड़ला कहाँ लुका दे हस अरे मुड़ के मांस खाता सबले बढ़िया भोजन होते ये माँ पांच छी नंग होते आंखी कान नाक मुंह और दिमाग ये पांचों अंग भोजन में नहीं रही तंबोर पर ये भोजन बेकार है चांगुड़ा रोवत रोवत कहते महाराज महतारी के ममता हा अंधा होते मैं जानत हो के चिल्ल्या अब ये संसार में नहीं ओखर माया के बस में होके मैं ओखर मुड़ीला रसोई घर में लुका के रख दे रही हूं ये सोच के रोज ओखर चेहरा ला देख के संतोष कर लू फिर आप बेकार नाराज झन हो महाराज मैं ओखर मुड़ ला घोलो नानत हो आओ घर बोलिस चांगुड़ा मोर बात ला ध्यान से सुन अब मोर सामने तय हाँ चिल्ल्या के मुड़ीला मुसलमा कुचरबे आओ ध्यान रहे तोर आंखी माँ एक को कनिया सुने आना चाहिए कुछ रत बेरा तोला मंगल गीत गाना पढ़ी हे भक्तमन चांगुड़ा हा बेटा के मुरीला कुछ रत ये गीत गाते चिल्ल्या ते कैलाश मजाबे पार्वती के आचरमा प्यार मिल ही मैया के तोला रही बे तय शिव चरणन माँ रही बे तय शिव चरणन माँ माँ के कर जाला ते छूटे मोरला मोरलाल
माँ के कर्जा लाते छूटे अब तोर मोर का नाता रे। सुरता रही तोला बेटा तोर दाई हतोला का टिसरे, तोर दाई हतोला का टिसरे। रोनी सको घलुक तोर बर मैं गावा मंगल गान रे। जन कही बे शिव जिला जाके दाई होते भगवान रे, दाई होते भगवान रे। चांगुड़ा मुड़ी के मांस ला पका के फेर थारी में परोस के औघड़ भर लेके आते। औघड़ फेर क्रोध में आके चांगुड़ा ले बोले, अरे मूरख तोला मेहमान के आदर सत्कार कैसे करे जाते यह नहीं मालूम है। मैं ये भोजन लगा अकेला खाऊं, तू मन मोर संग बैठ के भोजन करूं। चांगुड़ा फूट फूट के रोवन लगी। सन्नाटा में आगे चांगुड़ा और घर से कहन लगी, इस महाराज जे लैका ला मैं 9 महीना पेट में राख्यो उही लैका के मांस खाए बर बर पेली करत हूं, ये कैसे संभव हुई महाराज। और घर फिर क्रोधित हो गए और उठ के जान लगी। राजा रानी फिर ओखर गोड़ ला धर लेते और कहते, जन जावा महाराज नाथ भुखाए नहीं जावन देवो, जैसे आप कहू मोर बाबा वैसने हम दोनों करबो, वैसने हम दोनों करबो। राजा रानी सोचन लगी, अब बाबा के कहना ला नहीं मानबो तब बेटा के बलि हा अकारत हो जाही, हम दोनों डहर ले पाप के भागी बनबो। ये खर ले अच्छा है हम औघड़ के पास ना मान ले थन। औघड़ कही थे, जावा 3 ठन थारी औ परोस के लाना। रानी रसोई घर में गीस और 3 थारी मांस परोस के ले लानी। औघड़ के संग राजा श्रीयाद और रानी चांगुड़ा खाए बर बैठ गए। तब रानी चांगुड़ा पूछिस, ये 4th थारी काखर पर मंगाए हो महाराज। महाराज ये 4th थारी काखर बर मंगाए हा। हमन 3 इहा बैठे हन 4th कोनो बलाए हा, 4th कोनो बलाए हा। चांगुड़ा के बात सुन के औघड़ बोलते, चौथा थारी चिल्ल्या के है बला अपन ते बेटा ला। उहू हमर संग भोजन करही मिलके खाबो भोजन ला, मिलके खाबो भोजन ला। औघर के बात ला सुन के रानी अग बका गे, सन रह गे वो काही ने समझ सकी कि ये काय होवा थे। मन में सोचते ये औघर कोनो पागल भूसा है। औघर से कही थे, महाराज चिल्लिया के मांस होता आपके थारी में है, मरे के बाद का कोनो वापस आते। औघड़ फेर हट करते और कहते, तै बला हाँक पार चिल्ल्याला। चांगुड़ा लैका ला काटत बेरा अगर तोर मन में शिव के प्रति अटल विश्वास रही सोही, सच्चा भक्ति रही सोही, तो चिल्ल्या तोर पुकार सुन के जरूर आ जाही। चांगुड़ा ला फेर औघड़ के हट के आगू झुके भर पड़ी। वो उठ के दुआरी मेर जाते और चिल्लिया ला हाथ पार थे, चिल्लिया चिल्लिया मोरलाल तय कहाँ है। अतका मा चांगुड़ा हा काय देखते के चिल्लिया माता पार्वती के हाथ का धर के ओखरे डहर आवा थे। दौड़ के चिल्लिया अपन दाई के छाती से लग जाते। चांगुड़ा के अचरज के ठिकाना नहीं रही, माँ के ममता उमड़ पड़ी। बेटा ला घेरी भेरी चुमते, घेरी भेरी पुटार थे, हाथ का मकाय देखते। उहा अब औघड़ बाबा नहीं है, ओखर जगह मा साक्षात भगवान शंकर खड़े हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती ला देख के राजा रानी अचंबा मा पड़ गए। प्रभु के दर्शन पाके धन्य हो गए, गदगद हो गए। भाव विभोर होके राजा और रानी
प्रभु के चरण में माथा नवाई। माँ पार्वती हा चांगुनाला अखंड सौभाग्यवती होई के वरदान दिस औ कि देख्यो तोर श्रद्धा रानी मैं देख्यो तोर विश्वास रे तोर ले बढ़ के शिव भक्ति निये जगमा नहीं है आज रे जगमा नहीं है आज रे तोर आगुमा शिव के भक्ति मोर मया हार गई चलते अब शिव लोक चांगुड़ा तोर भव बंधन पार होइस तोर भव बंधन पार होइस राजपाट चिल्ल्याला देते चल मोर संग शिव धाम जी रानी चांगुड़ा शिव भक्तिन के दुनिया ले ही नाव जी दुनिया ले ही नाव जी हे शिव भक्त मन भोला बाबा हा स्वयं अपन हाथ ले चिल्ला के रास तिलक करी धरती माँ रानी चांगुड़ा के शिव भक्ति त्याग और बलिदान देख के देवलोक के देवता मन प्रसन्न होगी करुणा सागर भोला शंकर के अपन परम भक्ति पर कृपा हुई भगवान शिव राजा श्रीयाल और रानी चांगुड़ा ला अपन साथ पुष्पक विमान में बैठा के शिव लोक कोती चल दिन ये सब ला देख के जम्मू देवी देवता बहुत प्रसन्न हुई और आकाश ले पुष्प के वर्षा करने लगी भक्ति कथा चांगुड़ा रानी के श्रद्धा विश्वास है शिव जीवन माँ उही ल मिलते जेला शिव पर आस है जेला शिव पर आस है शिव के कृपा मिली जी ओला भोलेनाथ 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 शिव के कृपा मिली जी ओला कथा सुनिस जे ध्यान ले भक्ति भाव ले मिलते प्रभु जी नहीं मिले वो ज्ञान ले नहीं मिले वो ज्ञान ले धन वैभव जस मिले है कीर्ति जगमा पाइस मान जी शिव भक्ति मा रानी चांगुड़ा जगमा होइस महान जी जगमा होइस महान जी हे प्रेमी भक्त मन ये कथा आस्था और विश्वास के आए ये किस्म के त्याग और बलिदान कबू होवत नहीं से आज के युग में एक हर जरूरत नहीं है आज तो अगर सच्चा मन ले पल भर भगवान ला याद किए जाए तब बेड़ा पार हो जाते स्वयं तुलसीदास जी मानस में कहे हैं कलयुग केवल नाम आधारा सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा प्रभु के कथा के कोनो अंत नहीं है हरि अनंत हरि कथा अनंता हे भक्तमन ये कथा ला सुनाए माँ जाने अनजाने माँ मोर ले कोई भूल होगी होही तब मोला क्षमा करू